नमस्कार दोस्तों दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है 17 दिसंबर से और हर दिन कुछ ना कुछ छोटे बड़े अपडेट्स आते रहते हैं सीरीज को लेकर। ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन अपडेट्स और न्यूज पर वीडियो। कुल 10 अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यदि आप क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आप इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आपको बता दें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, उनका ओडीआई और टी20 सीरीज खत्म हो चुका है और अब टेस्ट सीरीज बचा हुआ है। ओडीआई सीरीज इंडिया 2-1 से गंवा चुके हैं, वहीं टी20 सीरीज इंडिया ने 1-2 से जीता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपडेट सीरीज का यह 6th वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना समय गवाए चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। इंडिया के क्रिकेट के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने का असमंजस खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा का 11 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट हुआ था और वह अपने फिटनेस टेस्ट में पास हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा को नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है और 13 दिसंबर को रोहित शर्मा चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। पहले वह मुंबई से दुबई जाएंगे और उसके बाद दुबई से वह सिडनी पहुंचेंगे। हालांकि वह 2 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वहां जाकर उन्हें 14 दिनों तक का क्वारंटाइन में रहना है। वह आखिरी के बचे 2 टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए मौजूद रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि 14 दिनों के क्वारंटाइन में रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भारतीय टीम को क्वारंटाइन के दौरान प्रैक्टिस करने का मौका मिला था और यदि रोहित शर्मा को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है तो भी तीसरे टेस्ट मैच से पहले उनके पास 8 दिनों का समय रहेगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह ग्रोइन इंजरी से चोटिल हैं और उन्होंने खुद ही कहा है उन्हें 10 दिन का समय लगेगा फिट होने में। अब आपको बता दें कि डेविड वार्नर की जगह ऑस्ट्रेलिया के विल पुकोवस्की को पहले टेस्ट मैच में जगह मिला था पर भारत के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में कॉन्कसन का वह शिकार हो गए जब कार्तिक त्यागी की गेंद उनके सर पर लगी और वह भी चोटिल हो गए, जिसके वजह से वह भी भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। और अब डेविड वार्नर और विल पुकोवस्की के नामौजूदगी में मार्कस हैरिस को रिप्लेसमेंट के रूप में रखा गया है। मार्कस हैरिस को ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है भारत के पहले टेस्ट मैच के खिलाफ। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ए और भारत के बीच प्रैक्टिस मैच चल रहा है। यह इन दोनों के बीच दूसरा प्रैक्टिस मैच है। पहला प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया था। दूसरा प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन में ऋषभ पंत ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और 73 गेंदों में शतक लगाया, जिसमें वह 81 रन पर बैटिंग जब कर रहे थे तो उन्होंने 1 ओवर में 22 रन बनाए और अपना शतक पूरा किया। ऋषभ पंत का यह 7वां फर्स्ट क्लास शतक है। वहीं हनुमा विहारी ने भी शानदार शतक लगाया। हनुमा विहारी ने नाबाद 104 रन बनाए और यह उनका 21वां फर्स्ट क्लास शतक है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच में वापसी करेंगे जो 17 दिसंबर से शुरू होगा। मिचेल स्टार्क भारत के खिलाफ हो रहे टी20 सीरीज के बीच में ही अपने घर चले गए थे क्योंकि उनके घर में किसी परिवार के सदस्य की हालत बहुत खराब थी। इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने दी और उन्होंने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस मैच के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने पहली बार अपने करियर में अर्धशतक या 50 रन बनाए। उन्होंने 57 गेंदों में 55 रन बनाए जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए। इस पर भारत के इस तेज गेंदबाज ने अपने ट्विटर पर इस इनिंग की फोटो पोस्ट की और लिखा कि कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि जसप्रीत बुमराह जब 50 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे तब उनकी टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 6th अपडेट। दोस्तों क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम होता है और आपको हर समय इसके उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनकी एक शॉट से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन जो बॉलिंग कर रहे थे उनके सर पर चोट लग गया। जैसे ही उन्हें यह चोट लगा वैसे ही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज अपना बल्ला छोड़कर कैमरून ग्रीन की तरफ भागे उनके बचाव के लिए और चेक करने के लिए कि कहीं चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं है। मोहम्मद सिराज की ऐसी भावना क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू गई और बीसीसीआई ने एक फोटो शेयर किया जिसमें कैमरून ग्रीन अपने घुटनों पर बैठे हुए हैं और उनके बगल में मोहम्मद सिराज खड़े हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इस मैच से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पैट रो को खिलाया जा रहा है। कैमरून ग्रीन अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ 17 दिसंबर से खेलने वाले थे। अभी वह मेडिकल देखरेख में हैं और 2-3 दिन के बाद उनकी फिटनेस अपडेट आएगी कि वह पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेल पाएंगे कि नहीं। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों आईसीसी ने खिलाड़ियों की लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग रिलीज किया जिसमें भारत की विराट कोहली नंबर 1 पर है 870 पॉइंट के साथ, वहीं दूसरे पर रोहित शर्मा है 842 पॉइंट के साथ और पहली बार अपने करियर में हार्दिक पांड्या टॉप 50 में अपनी जगह बना पाए हैं। आईसीसी रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 49वें पायदान पर है और बाकी कौन से किस स्थान पर है आप वीडियो को स्टॉप करके इस फोटो में देख सकते हैं। वहीं आईसीसी ने टी20 में खिलाड़ियों की रैंकिंग भी जारी की जिसमें इंग्लैंड के डेविड मलन नंबर 1 स्पॉट पर है, दूसरे पर है बाबर आजम और तीसरे पर है भारत के KL राहुल।
इसके पहले केएल राहुल चौथे पायदान पर थे। वहीं आठवें पायदान पर विराट कोहली हैं और इस तरह इस सूची में दो भारतीय अपनी जगह बना पाए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज मिस किया जिसकी वजह से वह टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। टॉप 10 में कौन कौन है आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। डेविड वार्नर और विल वुकोवस्की के चोटिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी कौन करेगा यह एक बड़ा समस्या बन चुका है। ऐसे में कई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक है मार्नस लबुस्तेन। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में यदि उन्हें पहले या ओपनिंग बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह बहुत खुशी के साथ ओपनिंग करेंगे। वहीं स्टीव स्मिथ भी तैयार हैं ओपनिंग करने के लिए। उनका भी कहना है कि यदि टीम मैनेजमेंट उनसे ओपनिंग करने के लिए कहता है तो वह भी ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं 37 वर्षीय सॉन मार्श भी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा यह क्रिकेट प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ा रहा है। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच गुरुवार 17 दिसंबर से शुरू होगा। यह मैच डे और नाइट मैच होगा और यह मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में होगा। पहले मैच में स्टेडियम में 50% दर्शक ही मौजूद रह पाएंगे और जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वह होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। यह मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा और इस मैच में 25,000 दर्शक ही आनंद ले पाते हैं। पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि इस 25,000 की कैपेसिटी को 30,000 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब पहले से 5,000 लोग ज्यादा देख पाएंगे। वहीं जो तीसरा और चौथा मैच होगा उसमें स्टेडियम में 75% दर्शक मौजूद रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना का असर क्रिकेट से घटता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान तक पहुंच सके इसके लिए क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों ईशांत शर्मा को लेकर स्टीव स्मिथ ने बड़ा बयान दिया है। असल में आपको बता दें कि चोटिल होने की वजह से ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने यह बयान दिया है कि ईशांत शर्मा की नामौजूदगी भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तेज गेंदबाज की नामौजूदगी में भारत एक मजबूत टीम नहीं है। इसके साथ ही संजय मांजरेकर ने भी यह माना है कि ईशांत शर्मा को इंडिया बहुत ज्यादा मिस करेंगे। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह सीम बॉलर हैं और भारतीय टीम को कोई ऐसा चाहिए जो गेंद को ऑफ स्टंप पर डाल सके और उनके द्वारा बनाए गए प्रेशर को बनाए रखें और उन पर प्रेशर हटे ना। दोस्तों यह थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 10 बड़े अपडेट्स और न्यूज़। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हर दिन आते रहते हैं जो मैं आपको अपनी कल की वीडियो में बताऊंगा, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।